आई एवरी वन वेलकम बैक टू स्टूडियो स्ट्रीमर एंड ये है सुबह का टाइम एंड आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को ब्लॉग डाले हुए उसके बहुत सारे हैं आगे बताऊँगी और यहाँ पर मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि अपना रूम क्लीन करना और मैं जो रात को इतना सारा मैसअप करके सोती हूँ अपने रूम को वो क्लीन करना ठीक है और बात ये है कि आज ये व्लॉग में मैं आपको अपना पूरे दिन का रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मेरा क्या रूटीन होता है यहाँ पे मेरा रूम क्लीन हो चुका है और आज ही मुझे ना अपने घर के लिए भी निकलना है मैं पूरे एक महीने बाद अपने घर जा रही हूँ तो यहाँ पे जो मैं कप बैग लेके जाना है छोटा वाला वो कर लिया है और वहाँ मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए जो मुझे बैंक पहन के जाना है और यहाँ मुझे अपना सामान ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े वाला बैग में जो मुझे यहीं पर छोड़ के जाना है मैं तीन चार दिनों के लिए जा रही हूँ फिर मैं आ जाऊँगी कुछ दिनों में तो बस वही हाँ अब किचन वगैरह क्लीन करने के बाद कुछ ये मेरी किचन की सॉरी रूम क्लीन करने के बाद कुछ ये मेरी किचन की हालत थी इसे मैं इसे भी मैं रोज़ साफ करके जाती हूँ पहले जब हम वापस घर आते हैं तो हमें घर साफ मिलता है तो वो अच्छा लगता है तो यह मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा था और फिर मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन करी और फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाओ अपने लंच के लिए तो मैंने ओट्स सोचा कि थोड़ा टाइम भी कम है बिकॉज आज निकलना भी है तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह भी नहीं ख़रीद के रखी थी बिकॉज रख खरीद के रखती तो वो ख़राब हो जाती तो इसलिए मैंने सोचा ओट्स ही बना के ले चलते हैं तो फिर मैंने ओट्स बना लिए और फिर मैंने ओट्स बना लिए उन्हें पैक भी कर लिया ये मेरा छोटा तो सा तो क्यूट सा लंच का बैग है जिसमें मैंने अपना लंच का डब्बा रखा चम्मच रखी पहले तो थोड़ी थी, थी बाहर रखूँ फिर नहीं चलो अंदर ही रख देती हूँ फिर मैंने ये छोटा सा चाट मसाला का वो रखा क्योंकि मैं दही लेनी थी और दही में ऐसे डाल के बड़ा अच्छा लगता है और मैंने साथ में एक मीठे में स्नैक कर रख ली मतलब हर रोज़ कोई ना कोई अलग अलग चॉकलेट में रख लेती हूँ तो ये सब हुआ और फिर मैंने जो लंच के लिए रखा था वही मैंने थोड़ा सा निकाल के ब्रेकफास्ट भी कर लिया उसी ओट से और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना प्रॉपर आई कार्ड वाई कार्ड फैन की जिसकी मुझे इतने टाइम से उम्मीद थी कि हाँ ये कब होंगी मैं तो वही मैं वो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड और फिर वही मेरा इमेंस लव टूवर्ड्स माई कार्ड और फिर वही <coughs> थोड़ा सा एक्सप्रेशंस देते हुए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा परफ्यूम लगा के बट मुझे बहुत ठीक होती है उसके बाद फिर शूज़ वूज़ पहने और हम निकल गए अपने बैंक के लिए और यहाँ पे रास्ते को पूरा इन्जॉय करते हुए मेरी रूरल ब्रांच है तो मैं आपको थोड़े वहाँ के क्लिप्स भी दिखाती हूँ ये मेरा पूरा रास्ता पड़ता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है बहुत ब्यूटीफुल तो ऐसा ऐसा है और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे इतना सुंदर मतलब एकदम कोई पल्यूशन नहीं कुछ नहीं बहुत ही अच्छा फील होता है बहुत ज़्यादा और और यहाँ बैंक पहुँचने के बाद मैं आप कुछ शूट तो नहीं कर सकती अंदर का बिकॉज ऑफ प्राइवेसी ऑन uh, गाइडलाइंस जो है बैंक की तरफ से तो ये मेरा पिछले दिन का था जो मैंने एक छोटा सा क्लिप शूट किया था लंच का तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और फिर वहाँ से वापस घर जाते हुए पूरे दिन काम करके आई आई गेस हम साढ़े um, पाँच छः बजे करीब निकलते हैं फिर उससे बाद में हमारे क्रॉसिंग पर थी तो उसका वेट कर रहे हैं कि हाँ अब हम आगे जाएंगे तो वही यहाँ पर कैमरा चेक करते हुए तो ऑल सेट और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए तो कुछ इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकलता है और कभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंदर के क्लिप्स भी शेयर करूँगी बट आज जितना मैं कर पाई शूट मैंने उतना आपके साथ शेयर किया अब मैं घर आ चुकी हूँ ये बैग मुझे लेके जाना है और ये बैग मुझे लेके जाना है सब कुछ पैक हो चुका है थोड़ा बहुत चाय वाय पीते हैं और कुछ खाते पीते हैं और सारा सामान एकदम सेट करके फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और यहाँ मैंने मैगी भी बनाने रख दी थी क्योंकि वही है ना फिर वापस से वही बता देती हूँ और यहाँ से मेरा इतना सुंदर सीन दिखता है क्या चांद दिखता है मेरे यहाँ से यहाँ मैं मैगी वैगी खा के सेट हो चुकी थी पूरा और अब मेरा बस ये बर्तन वर्तन धो के और फिर मैं पूरा सेट होके निकलते हैं यहाँ से घर के लिए यहाँ मैं स्टेशन पहुँच चुकी थी अब और मैं वेट कर रही थी अपनी ट्रेन का मेट ट्रेन वेट करी थी अपनी ट्रेन का मेरी ट्रेन आ जाए बट ये मेरी ट्रेन नहीं थी किसी और की ट्रेन थी और फिर यहाँ मेरी ट्रेन आ गई थी और फिर मैं अंदर जा चुकी थी ट्रेन में और कुछ ये मेरा कुछ था और हाँ मैं पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे अकेले ट्रैवल करी थी वो भी बाई ट्रेन और वो भी इतना लंबा ट्रैवल मतलब ठीक है मतलब ये मेरे लिए भी बहुत एक नया एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने इसको भी शूट किया यहाँ पर मैं आराम से सो चुकी थी अंधेरा हो गया था सब लोग सो रखे थे और ठीक है अच्छा लग रहा था ठीक है ना अब मैं बड़ी हो गई ना इसलिए अब मैं कर लेती ट्रैवल तो वही है बस चल देते हैं बट वही है ना लाइफ में हमें हर एक चीज़ सीखनी चाहिए और हमें हर और एक चीज़ सीखते रहना चाहिए नहीं तो आ, हम ऐसे सोचेंगे कि नहीं हमें ये नहीं आता हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम अब हम कभी भी अपने फियर से ओवरकम कभी कर ही नहीं पाएंगे तो हमें जितना हमें लगता है ना कि हम इस चीज़ से डरते हैं इस चीज़ से डरते हैं तो हमें उस चीज़ पर अपना आ, कर ही देना चाहिए कि भाई ठीक है कर लेते हैं मरेंगे थोड़े ना क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो बस भैया ये सुबह के टाइम हो चुका था और ऑलमोस्ट मेरा न्यू दिल्ली स्टेशन आने को था तो बस उसी का वेट कर रहे थे और आई थिंक सुबह साढ़े पाँच बजे करीब मेरा स्टेशन आने वाला था तो उसी का इंतज़ार हो रहा था यहाँ मैं पहुँच चुकी थी अपने घर न्यू दिल्ली और स्टेशन के अंदर बस अब हम एंटर कर रहे हैं और इतनी अच्छी फीलिंग थी ना बिकॉज़ घर पे किसी को भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ आप देखना आगे सबके रिएक्शंस की क्या था एंड आई वाज टू एक्साइटेड एंड यहाँ हम निकल चुके थे अब ढूंढ रही थी कि किधर से मेट्रो का कनेक्टिविटी होगी ठीक है तो पहले तो स्टेशन से बाहर एग्जिट ढूंढ रही थी फिर मुझे यहाँ पे दिखा ओके अब मुझे दिख चुकी है यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी अब चलते हैं फिर यहाँ मुझे भूख लग रही थी सुबह के छः बजे हाँ जी तो मैंने कहा चलो एक सैंडविच खा ही लेते हैं प्लेन वाला सैंडविच बड़ा अच्छा लगता है मेट्रो में मैं लेडीज़ कोच में के बैठी थी और यहाँ पर कोई भी नहीं था दूर दूर तक मतलब मैं पूरा घर तक अपना अकेले पहुँची तो मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह भी शूट करी थी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर और बस और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए कि चलो अब आधे घंटे का रास्ता है घर पहुँचने में कुछ कर ही लेते हैं तो थोड़ा यही कर और अब मैं फुल फैशन मारने के बाद उतर चुकी थी मेट्रो से और यहाँ मैं दिल्ली पहुँची तो देखा इतना फॉग यहाँ पर और यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी थी बट जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे कोई ठंड नहीं उल्टा वहाँ हद से ज़्यादा गर्मी है और फॉग का तो वहाँ नामो निशान नहीं है फिर मैंने ऑटो पकड़ा और अपने घर चली और यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपनी गली में आई वॉज टू एक्साइटेड यार अभी अब मैं इस वीडियो में अब आगे नहीं बोलूँगी बिकॉज इसमें आपको आगे जो लाइव चीज़ें हुई थी अब आप वो सुनना ठीक है बाय वा कुसी अरे मेरी चीज आई वो तो लिया बस लिया कुसी 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 आ आ तो वो मेरा बैग लिया बैग मैं कह रहा हूं कूड़े वाला कूड़े वाला सर प्राइस के लिए आंख नहीं खोलना ओ मेरा बाबू पसीना 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 बता है ये ये दीदी आ मेरे मम्मी पापा मेरा कार्ड देखते हुए एंड मेरी क्यूट सिस्टर एंड ये था मेरा आज का व्लॉग पूरे दिन का एंड आप सो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टूस वीडियो स्ट्रीमर मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में